द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि द्वारका जिले के अलग अलग पुलिस टीमों ने अलग अलग मामलों में 8 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनके खिलाफ रंगदारी, अवैध हथियार और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। और इनमें ही एक रवि नाम का आरोपी, जिसने पहले 18 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है और जो उत्तम नगर इलाके का घोषित बदमाश भी है, तो वहीं विजय भी इसमें शामिल है और विजय भी एक घोषित बदमाश है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से करीब 16 मामलों को सुलझाने का दावा किया है और इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान, 3 पिस्तौल, 24 जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू बरामद किया है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए और क्रिमिनल्स पे और ज़्यादा सख्ती करने के लिए अलग अलग टीम्स ने पिछले 2 दिनों में काफ़ी कार्रवाई किया है। हमारे नजफगढ़ थाने की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 लड़कों को पकड़ा, जिनके पास से एक देसी कट्टा मिला। इसका जांच को कंटिन्यू करते हुए इसके सोर्स तक पहुंचने की कार्रवाई शुरू की गई और इसी दौरान जे कॉलोनी शकुरपुर में भी रेड्स कंडक्ट किए गए और वहाँ से 2 लोग और गिरफ्तार हुए और एक और वेपन वहाँ से भी रिकवर किया गया। फर्दर जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, उसने भी एक्शन करते हुए एक ग्रुप ऑफ बर्गलर्स को पकड़ा है और ये जो है इनके पास से भी एक वेपन रिकवर हुआ है और 6 लाइव कार्ट्रिज मिले हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स और एक चोरी की स्कूटी भी बरामद इनसे की गई है। उसी तरह द्वारका साउथ के टीम ने भी इंटेंसिव पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति को चाकू के साथ पकड़ा और उससे फर्दर पूछताछ के दौरान उससे भी चोरी के सामान रिकवर किए गए। इस तरह टोटली 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कि 3 वेपन रिकवर हुए, 23 राउंड गोलियां रिकवर हुए और 2 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 चोरी की स्कूटी और चोरी किया हुआ गोल्ड ज्वेलरी, ये सब चीज़ रिकवर हुआ है। इस तरह कंटिन्यूस एक्शन करते हुए जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और जो स्ट्रीट क्राइम है, उन पर स्ट्रिक्ट चेक रखा जा रहा है।